Hello everyone, you are listening to Bishaka on Bunde Podcast. So, आज मैं अकेली नहीं हूँ, आज है मेरे साथ कोई स्पेशल और उनसे मिलने से पहले मेरे पास एक सवाल है. सवाल ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं वो एक ऐसी चीज जो हमेशा हमारे साथ चल सकती है, एक ऐसी चीज जो बहुत कॉमन है ऑलमोस्ट हर जगह हर वक्त, जैसे जब भी हम खुश होते हैं या फिर दुखी होते हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं या फिर कभी कभी पढ़ाई के बीच में भी, गाड़ी में है, किसी भी जगह. बताओ, एनी गेसेस? क्या वो एक चीज है जो हमें अलग ही एक दुनिया में लेके चली जाती है? एनी गेसेस? ओके, लेट मी हेल्प यू. एंड दैट इज गाना, गाइज, म्यूजिक. गाना हर जगह चल सकता है हमारे साथ. म्यूजिक के बिना एटलीस्ट मेरी जिंदगी में तो कोई मजा नहीं है. हर एक मोमेंट का, हम सब का एक कोई ना कोई एक गाना जरूर होता है. एक गाना जो हमारे पुराने क्रश की याद दिलाता है, या फिर वो पुरानी गलियां, कोई एक दोस्त, या फिर वो जो काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी का. और शादियां कैसे भूल सकते हैं? बैंड, बाजा, बारात और डीजे. भाई, शादी डीजे के बिना तो बिल्कुल ही अधूरी है. क्यों? ऐसे ही एक गाना आ गया है हमारे लिए जो ऑलमोस्ट हर जगह हम सुन सकते हैं, और मैं कंटिन्यूअसली रिपीट मोड में ये गाना सुन रही हूँ, और उसी गाने के सिंगर के साथ हूँ मैं आज. यस, डबल एस है उनका नाम और इस वक्त हमारे साथ है. वेलकम टू आवर शो डबल एस. हाउ आर यू? हाय विशाखा, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? I'm good. First of all, it's a pleasure connecting with you, and I feel really honored. Thank you for having me here. Same here. Thank you so much. So, double S, कुछ बताइए हमें इस गाने के बारे में. मैं नहीं बताऊंगी, बहुत ज्यादा excited है हम लोग इस गाने के बारे में जानने के लिए. तो please बताइए इस गाने के बारे में. हाँ, देखिए, the song is all about love. Song का title है लगता ना जी. तो इट्स कम्प्लीटली शॉर्ट एंड कम्प्लीटली, आई मीन वीडियो की पिक्चराइजेशन हमारे दुबई में हुई है, बिकॉज हम चाहते थे क्लासी लुक देना वीडियो को और कम्प्लीट प्रोजेक्ट को. सो जस्ट वॉन्टेड टू मेक इट अ बिट इंटरनेशनल सो दैट हम आगे अच्छे से इसको प्रेजेंट कर सकें. सो सॉन्ग इज ऑल ओवर, जैसे मैंने कहा, इट्स अ रोमांटिक नंबर, जस्ट लाइक अ क्रश ऑफ अ गाय. तो लड़की का वेट करना और उसको सोचना और उसकी मेमोरी में जाना, इट्स ऑल अबाउट दिस, जो कि हर आज के डेट में हर लड़का लड़की चाहते हैं पिक्चराइज करना अपने आप को उसमें. तो वी जस्ट फील लाइक रियलिटी पे वो चीज बने और लव पे बने, तो दैट्स व्हाट आवर मोटो इज. एंड इट्स बीन रिलीज्ड फ्रॉम जी म्यूजिक इंडिया, वेरी गुड कंपनी लेबल, एंड दैट्स इट. इट्स अ शॉर्ट लव स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट. या ऑलराइट. तो ये गाना आपने इतने अच्छे से गाया है, इतना मजेदार गाना आया है. बस मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि गाना आपने बचपन से शुरू किया है, कहाँ से शौक स्टार्ट हुआ है, ये स्पेशली रैपिंग ही क्यों चूज किया आपने, कुछ बताएंगे इस बारे में? इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि म्यूजिक इज लाइक सोल फॉर एवरी आर्टिस्ट. मैं एक आर्टिस्ट हूँ. And I've been working in music with my music since 2009 and 10. 13-14 साल हो गए हैं. मतलब since I was a kid, I started doing this. First of all, तो immature तरीके से चालू होता है सबका. हमारा भी वैसे ही हुआ. We started a band और 5-4 people का group रहा, जिसका नाम D18 रहा. और तब से हमने इसको चालू करा. बट ये होता है धीरे-धीरे कुछ controversies वगैरह हो जाती हैं, तो सब साथ में आगे चल नहीं पाए. हम complete band members. So only me and one of my band artists, his name is Ragad Yaranbi, Anurag Atwal, वो मेरे साथ अभी भी हैं. और अब हमने since 2013 and 14 अपना खुद का production house खोला हुआ है, जो कि है D18 Studios Production. और वहीं से हम अपना complete music making, complete जो planning होता है, वहीं से सारी हम अपने workout करते हैं. और तब से हमारे songs निकलते रहते हैं. We work on every type of genre. जैसे मैंने कहा, music is our soul. हमें वो करना पसंद है. We don't do like यार लोग कर रहे हैं तो हम भी करें. नहीं, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, कई लोगों ने हमें देख के स्टार्ट करा, क्योंकि हम काफी बिगिनर्स हैं, काफी पहले से हैं. और सबसे बड़ी बात, कभी बैकग्राउंड नहीं रहा. अगर बैकग्राउंड होता तो शायद ये जो टाइम है, टाइमिंग है 13-14 साल का, ये स्ट्रगल है, अगर मैं बोलूंगा हसल है जो, ये शायद आधे से भी कम टाइम में हो जाता. तो इट्स लाइक वर्किंग सो मच हार्ड इन म्यूजिक, इट्स नॉट वेरी इजी. तो ये है कि जर्नी अभी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी, जब तक भगवान करेगा, माता रानी कृपा करेंगे, ये चीज चलती रहेगी. और आपको अच्छा अच्छा म्यूजिक, अच्छा अच्छा वाइब, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स मैं प्रेजेंट करता रहूंगा. दिस इज ऑल आई कैन से अबाउट इट.
ओके, सो हम कह सकते हैं कि आप एक सेल्फ मेड आर्टिस्ट है, इतना हार्ड वर्क है, गाना भी बहुत ज्यादा अच्छे है, वॉइस बहुत अच्छी है. सो पहले और कितने गाने और कौन से गाने गाए हैं आपने, या फिर आने वाले हैं गाने, कुछ और बताइए. देखिए, रिसेंटली आई बीन वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, काफी सॉन्ग्स पे वर्क चल रहा है. वैसे बेसिकली मेरा एक जॉनर है, मेरा एक वर्सेटाइल जॉनर है. आई डू हिंदी, आई डू पंजाबी, आई डू हरियाणवी. अभी मेरे हरियाणवी ट्रैक आने भी वाला है, और इससे पहले भी मैंने कुछ कमर्शियल्स करे हैं अच्छी अच्छी कंपनी से, जैसे पेनोरमा स्टूडियो से करा है, पेनोरमा म्यूजिक से, जो कि अजय देवगन जी की कंपनी है, और कुछ मैंने और भी काफी अच्छी अच्छी कंपनी से करा है आगे, और अच्छी कंपनीज के साथ टाई अप भी है. तो और लास्ट ईयर आई वेंट टू यूरोप, आर्मेनिया, और वहां पे मैंने सारा शूट करा था. तो काफी इंटरनेशनल स्टफ्स आजकल मैं और मेरी टीम बना रहे हैं, वर्किंग चल रही है उसमें, जिसमें की बहुत बड़ा योगदान मेरे डायरेक्टर जी का भी है, नीरज गौतम जो है, जो ये सारी मेरी वीडियोस का जो टेक ओवर है वीडियो प्रोडक्शन का, वो वही देखते हैं. तो मान के चलिए अभी तक इट्स बीन लाइक मोर देन 50 सॉन्ग्स मैं कर चुका हूँ, जो ओरिजिनल सॉन्ग्स है. और सिंस 2009-10 मैंने आपको बताया, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, अ वेरी लॉन्ग हसल. तो इतने सॉन्ग्स किसी तरह मेहनत करके कर लिए हैं, निकाल दिए हैं. कभी आप देखोगे, सर्च करोगे ऑन गूगल अबाउट मी, तो यू कैन फाइंड माई एवरी सॉन्ग देयर, एंड यू कैन इजीली लिसन एंड वॉच इट. सो लास्ट क्वेश्चन, आपका नाम डबल एस, ये क्यों और कैसे आया? व्हाट इज इट? ये मैं बोलूंगा काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि सबको नहीं पता चलता है, बट द नेम इज ऑल अबाउट. अब मैं फॉर एग्जाम्पल दूंगा कि कई लोग हैं, कई आर्टिस्ट हैं, दे जस्ट पुट देयर नेम विदाउट एनी रीजन. वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता कि यार नाम ऐसा होना चाहिए जो आपके बैकग्राउंड को आपसे रिलेट करे. डबल एस, वैसे मेरा रियल नेम मनीष है, मनीष सेमवा, और डबल एस इज माई स्टेज नेम, बट एक्चुअली डबल एस इज एस एस. SS means it's a name that defines, I mean, like a gesture to my grandfather, my late grandfather. So SS means Shri Satya. My grandfather's name was Satya Prakash. So I have made a kind of Shraddhanjali name so that I can keep their name. So it's kind of like that. And it was very early. And now I'm very happy with this name when people say it, speak it, and search it. So this is all about my name. Word. Okay, that was really so heart touching and so sweet. Okay, so मेरा नाम भी विशाखा बोरगोहाई है, तो पता नहीं, मैं भी शायद अब से बीबी रख लूँ अपना नाम. That's good. You should do that. You're an artist too. Yeah. Okay. Last but not least, can we hear 2-3 lines of your recent song, please? Oh my God. वैसे तो I'm not a good singer, but आपने पूछा है तो yes, just for your listeners, I'll try to sing two lines. कि listeners सुने और थोड़ा उन्हें अच्छा लगे और थोड़ा वो गुनगुनाए भी इस गाने को. तो ये गाना कुछ ऐसा, it's a पंजाबी song, mixture of पंजाबी and हिंदी. So let me just tell you. अखा ते गुची शुची लाके तुसी रख दे ओ, शीशे कर डाउन गड़ी दे मित्रा वल थक दे ओ, सोदे कुल बीमर काड़ी गबरू कुल जीएमसी, लाजा तेनु एले बलिए मिले कद हो के फ्री, नी जदों सानू लेनिया तू तक नी छड़ दी तक अखनी, तू जादू जहा कर गई नी बेबी तेरा पतला ज लखनी, मारी जांदा मत नी दस हुण मुंडा करके, नी बेबी तेरा जीरो फिगर कर गया फेवर, गबरू दा लगदा ना जी हाय, गबरू दा लगदा ना जी हाय, गबरू दा लगदा ना जी. So it's something like that. Wow. So jitna main aapko gaake bata sake at this moment, to ye hai. Aur just I just want ki har banda sune isko, dekhe is video ko. Kafi mehnat se, kafi acche tarike se isko present kara gaya humne, the audio and video picturization and everything. So this is all about this song. No, the song is really good aur chalega. All the best to you for this song. एंड ऑडियंस, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, इनके रीसेंट गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज गो एंड लिसन टू द सॉन्ग. आई बेट यू, जैसे मैं सुन रही हूँ रिपीट मोड में, आप भी सुनोगे, एंजॉय इट, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट, टैग इट. ओके, थैंक्स डबल एस फॉर द सॉन्ग एंड फॉर एंटरटेनिंग अस. आप ऐसे ही गाना बनाते जाए हमारे लिए हमेशा, बहुत सारे है ना, बहुत सारी उन्नति आपकी हो, आपकी तरफ आए. सेम, थैंक यू सो मच. लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं यही चाहूंगा कि हर म्यूजिशियन का एक कहते हैं ना कि जीरो से स्टार्ट होता है, तो हमेशा अच्छे म्यूजिशियंस को सपोर्ट करें, कभी किसी को इग्नोर ना करें,
अच्छे अच्छे म्यूजिक लोगों के सुने, उन्हीं के ना सुने जो पहले से बने हुए हैं. जस्ट ट्राई टू गिव अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी आर्टिस्ट सो दैट दे कैन रीच व्हाट दे एक्सपेक्टेड व्हाट दे डिजर्व. सो दिस इज इट. थैंक यू सो मच फॉर आई मीन फॉर बीइंग विद मी एंड फॉर एवरीथिंग फॉर ऑल दिस कॉन्वर्सेशन. पीस आउट. सो आप सुन रहे थे विशाखा को बूंदे पॉडकास्ट पर. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. कीप लिसनिंग टू बूंदे पॉडकास्ट. थैंक यू.